वेलकम गाइज, एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल। एस एस सी आई क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, फ्यूचर इन्फिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? फ्यूचर इन्फिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर इन्फिनिट टेंस के पैसिव रूल्स को जानेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। और जो भी पहली बार इस वीडियो में एंट्री कर चुके हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो भी अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे वो कमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज फ्यूचर इन्फिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका पैसिव रूल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं बताऊँगा पहचान, कि क्यों कब फ्यूचर इन्फिनिट टेंस कहा जाएगा। तो पहचान यही होती है, इसके जो जो वर्ड हैं जो लास्ट में होगा, गा गे गी जरूर आएगा, ठीक है। वैसे गा गे गी उस वर्ब के साथ आएगा जिस वर्ब के साथ एक काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, हंसेगा, ये देखिए यहाँ पे ना वर्ब के साथ में गा जुड़ा हुआ है। ये जो गा जुड़ा हुआ है ये ही बताता है कि ये फ्यूचर इन्फिनिट टेंस है, ठीक है। अगर ये बीच में ऐसे टूट गया था, जैसे पढ़ रहा होगा, पढ़ा होगा, खेला होगा, तो ये जो खेला होगा ये मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूट गया, गा जो है ना यहाँ से टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इन्फिनिट टेंस नहीं है। जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट है वो क्या है, फ्यूचर इन्फिनिट टेंस का पहचान है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आए, अगर हिंदी में भी पढ़ें तो भी समझ में आए। बाकी अब इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, वो विल और शैल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, विल और शैल। तो विल और शैल यहाँ आई वी के साथ क्या होता है, शैल का यूज करते हैं। ही सी इट, जो ही सी इट है, यू है, ठीक है, मतलब सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल और फर्स्ट पर्सन के साथ में आई शैल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड प्लस थर्ड, तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन में। अब पैसिव बनाते समय हमें क्या इसमें स्पेशल करना है वो आप देख लो। पैसिव बनाते समय हमें स्पेशल क्या करना होगा, आपको जहाँ पर विल है और शैल है वहाँ पर सिर्फ ऐड करना है बी को। बाकी पैसिव में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते ही करते हैं, जनरली सभी में करते हैं, 90% में थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है, 90% में करी जाती है। चलो अभी देख लेते हैं इसका रूल। तो रूल में क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट अब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, ठीक है। तो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं बाई भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल एंड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव। तो अब इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे द पोस्टमैन will deliver deliver the letters, ठीक है। the postman will deliver the letters, तो आपको ये बताओ मेरे को, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है, डिलीवर है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की भाई, जहाँ ईडी वगैरह नहीं जुड़ा रहता है जनरली हम उसको उसकी पहचान करते हैं फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे ईडी वगैरह नहीं जुड़ा है तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए भाई, क्या क्या जो कोई इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से हम यहाँ पे द लेटर्स को इधर ले आएंगे, जैसा कि हम रूल जान रहे हैं उस हिसाब से द लेटर्स यहाँ पर आएगा पैसिव सब्जेक्ट बन के, ठीक है। द लेटर्स विल विल, क्योंकि ये जो नाउन वगैरह है ना, जो भी नाउन वगैरह हैं, प्रोनाउन है, थर्ड जो हमारे जितने भी हैं, नाम है, नाउन है, और ही सी इट इट दे और यू, इसके लिए इसमें हम विल यूज करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, इसका जो थर्ड फॉर्म होगा क्या होगा, डिलीवर्ड, ठीक है। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। ये हो गया आपका इसका पैसिव, ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये इसका आपको एक एग्जांपल हो गया, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल था, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव तो पता ही होगा आपको, सिंपल सेंटेंस जो रहते हैं उनको अफर्मेटिव बोलते हैं, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल हो गया आपको। और अभी अगर निगेटिव का आएगा तो निगेटिव का भी मैं बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल आपको, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पर निगेटिव के लिए, यहाँ क्या करेंगे, प्लस नॉट ऐड करेंगे फिर बी लगाएंगे, ठीक है। सारा कुछ वही रहेगा, नॉट ऐड करेंगे बी लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे रोशनी विल नॉट ईटिंग, सॉरी विल नॉट ईट द फूड, रोशनी विल नॉट ईट द फूड। अब आप इसको बनाओगे तो क्या बनाओगे, द फूड विल नॉट बी, विल नॉट बी ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन हो गया है, बाई द बाई रोशनी, ठीक है। नाम है तो नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। सेम अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विल रोशनी नॉट बी ईटन बाई, सॉरी यहाँ रोशनी नहीं, फूड, विल द फूड नॉट बी ईटन बाई रोशनी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया इंट्रो, अगर वो इंट्रोगेटिव सिर्फ होता तो ये नॉट नहीं रहता, बाकी सारा कुछ सेम होगा। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, इतने सारा एग्जांपल दे दिया मैंने तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फ्यूचर इन्फिनिट का पैसिव कैसे बनता है। तो मैं कुछ और स्पेशल एग्जांपल बताता हूँ जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या है, पीपल Will remember Mother Teresa, ठीक है। People will remember Mother Teresa। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो मैंने exception बताया था वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो Mother Teresa है वो subject बन जाएगा, Mother Teresa। अब ये बताया मैंने विल बी कर देंगे, मदर टेरेसा विल बी रिमेम्बर्ड, क्या दिमाग में आ रहा है भाई, क्या दिमाग में आ रहा है, क्या बाय पीपल लिखूं, बाय पीपल लिखना ज़रूरी है, बाय पीपल लिखना ज़रूरी नहीं है, पीपल में काफ़ी लोग हैं, पूरी दुनिया हो गई। मतलब अगर इसका मैं अर्थ कहूँ, मदर टेरेसा विल बी रिमेम्बर्ड, मदर टेरेसा को याद रखा जाएगा। अब बाई पीपल वो ऑटोमेटिक आ जाता है, फीलिंग के साथ आ जा रहा है भाई, किसके द्वारा याद रखा जाएगा, एनिमल्स के द्वारा तो रखा नहीं जाएगा, हम यूनिवर्स के जो लोग उनको पहचानते हैं उन्हीं के द्वारा रखा जाएगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं रखा जाएगा। इसलिए जहाँ भी पीपल वगैरह आ जाता है
वहाँ पर एक ग्रुप और समूह का पूरा ह्यूमिडिटी का डिनोशन होता है, इसलिए हम यहाँ पर बाई यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मदर ट्रेसा विल बी रिमेम्बर्ड होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, नो वन विल आंसर, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन, ये चलो इसको देख लो आप। इसका जो हमको करना है तो यहाँ पे देखिए योर क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो यहाँ योर क्वेश्चन लिख दें, योर क्वेश्चन। अब यहाँ पर विल बी हो जाएगा आंसर्ड, थर्ड फॉर्म होता है आंसर का, तो योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाई नो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, योर क्वेश्चन विल बी आंसर बाई। लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब एक उदय हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ नो वन है, मतलब कोई आंसर नहीं दिया, अब तुम्हारे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देगा, तो नहीं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नॉट की एंट्री करानी पड़ेगी और बाई का यूज नहीं करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, नॉट की एंट्री करानी पड़ेगी और बाई का यूज नहीं करना होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन जैसे नो वन है, समबडी है, पीपुल है, समवन है, तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे निगेटिव वाली चीज़ आती हैं वहाँ पे नॉट को आपको एंट्री करानी पड़ेगी, तभी जाके वो सेंटेंस आपका पैसिव में सही होगा। तो यहाँ पे नॉट की एंट्री मैंने करा दी, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। अब इसका जो मीनिंग निकलेगा, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, तुम्हारे प्रश्न का आंसर, उत्तर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, नोबडी विल कैच यू, ठीक है, तो नोबडी विल कैच यू है, तो यहाँ पे भी सेम मैं जैसे बताया हूँ, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जैसे यहाँ नो वन था, यहाँ नोबडी है, सेम चीज़ वही चीज़ है यहाँ पर, यू विल नॉट बी, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं स्पेशली आपको हर बीच बीच में, एक एक क्लास में बीच बीच में एक्सेप्शन भी आपको कराते जा रहा हूँ, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप सेंटेंस को समझेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस के लिए आप एग्ज़ाम में या कहीं भी, तो आप आसानी से इसको पहचान के कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नो बडी विल कैच यू, तो यू विल नॉट बी, यहाँ पर नो बडी होने की वजह से यहाँ नॉट का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम नॉट नो बडी को बाईपास कर हटा देंगे यहाँ पर, तो सेंटेंस का सेंस निकले, फीलिंग्स आए, एक्चुअल मीनिंग आए, उसके लिए नॉट की एंट्री है यहाँ पर होनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर नॉट की एंट्री इसीलिए कराई गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी साइट्स पे बहुत काफ़ी गलत मतलब एग्जांपल दिए रहते हैं, काफ़ी गलत रूल्स भी बताए रखते हैं, तो उसे आप सही ना मान के चलें, बुक्स, अच्छी बुक्स खरीदें, पढ़ाई करें, अच्छे टीचर्स से सलाह लें, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ें, ज़्यादा नेट और वेबसाइट्स पे दिए गए चीज़ों का विश्वास ना करें, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट और वेबसाइट कोई भी जनरेट कर सकता है और उस पर कंटेंट कोई भी डाल सकता है, लेकिन वो वेरीफाइड है या नहीं है उसका कोई गारंटर नहीं है, ठीक है। और बुक्स जो होती हैं, बुक्स में जो चीज़ें होती हैं, उसमें जो राइटर होता है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, जो उसमें प्रकाशित की जाती हैं, जो भी मिस प्रिंटिंग होती है उसके लिए वो बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, इसलिए बुक्स को सबसे बड़ा आपको हथियार मान के उससे ही पढ़ाई करनी है, नेट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप गलत सीखेंगे, ठीक है। तो अगला एग्जांपल मैं बताऊंगा, समवन विल रीड द गीता, समवन विल रीड द गीता, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है द गीता, तो इसलिए द लगाया गया है, जी कैपिटल लिखेंगे,
तो द गीता, विल बी रेड, द गीता विल बी रेड बाई समवन, लिखूं? कोई जरूरत है? नहीं जरूरत है यहाँ पर। द गीता विल बी रेड, बस यही इतना आपको पैसे में बनाना होता है, तभी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था आपके लिए। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ये जो वर्ड है ये बड़ी खतरनाक है पैसिव वॉइस में, और जनरली एग्ज़ाम में घुमाने के लिए आपको एक्सेप्शन ही दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में पैसिव आएगा, सिंपल पैसिव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इस तरह के पैसिव जो करता है वही धुरंधर है, वही टॉपर है। ठीक है, वही बीट करेगा, वही उसी की जॉब लगनी है। तो मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, इसी तरह के होमवर्क देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए। तो आइए, ये आपका होमवर्क है, पीपल विल रिमेम्बर गांधी जी, गांधी जी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके सबके चार बनाने हैं आपको, याद रखने हैं, सबको चार बना के दोगे मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगला अगला देख लो, नो वन, नो वन विल डू एनीथिंग, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट मी, अगेंस्ट मी, इसका भी आपको चार बनाना है। तीसरा देख लो आप, एवरी वन विल रिमेंबर हिम, एवरी वन विल रिमेंबर हिम। चौथा देख लो, समबडी विल टीज टीज द डॉग। तो ये हो गए आपके चार सेंटेंस। आपको सबके सबको होमवर्क करके कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपने कितना सीखा। इसी से पता चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और लोगों को बताएं क्लास के बारे में, जिससे और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।